दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मोबाइल नंबर अपडेट करने का एक नया ऑप्शन आ चुका है। आप जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ फॉर्मर कॉर्नर पर आने के बाद आपको देख सकते हैं अपडेट मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है और यहीं से आप अपने किसान सम्मान निधि योजना वाले अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। आपको पता है दोस्तों, अगर आपके किसी भी सरकारी स्कीम में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप अपडेट करना चाहते हैं मोबाइल नंबर तो यहीं पर आपको क्लिक करना होगा इस पर। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं सर्च बाई रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार नंबर, दो ऑप्शन आते हैं। तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसके ज़रिए भी आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड नंबर तो होगा ही, उससे भी आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीका आधार नंबर सेलेक्ट करूंगा और जिस किसान के किसान सम्मान निधि योजना की आप पर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है उस किसान के यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना है और ये कैप्चा डालकर सर्च पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने कंसेंट आ जाएगा और आपको यहाँ पर ओके करके गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड जो भी आपका आधार कार्ड है उसमें जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो यहाँ पर गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी हैज बीन सेंड टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपको ओके करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी गया है, वह ओटीपी डालना और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। आधार ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है। अब दोस्तों किसान के आपका पूरा देखिए डिटेल खुलकर आ जाएगी, है ना। ऊपर आधार कार्ड नंबर होगा, पूरी डिटेल होगी किसान का, रजिस्ट्रेशन नंबर, फार्मर नेम वगैरह, और आपको जो भी मोबाइल नंबर अपडेट करना है किसान, वो यहाँ पर नया मोबाइल नंबर डालना है। तो ध्यान रहे दोस्तों, वो मोबाइल नंबर अपडेट करना है जो आप परमानेंट रखते हों, आपके रिचार्ज होना चाहिए क्योंकि ओटीपी बिना रिचार्ज आएगा नहीं और आप अपडेट कर नहीं पाएंगे। तो वो मोबाइल नंबर या एंटर करना है जो भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, रजिस्टर्ड करना चाहते हो पीएम किसान में, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो मोबाइल नंबर डाल देना है, ओटीपी डाल देना और बस इसके बाद आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। और आपको कुछ दिन वेट कर लेना है दोस्तों, लगभग 24 घंटे का इंतजार करना है। अगर 24 घंटे में नहीं होता तो आपको 72 घंटे तक वेट करना है और आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मेथड था। तो इस तरीके से आप दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी समस्या हो पीएम किसान से संबंधित, आप हमसे एक बार जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।